मेरठ पुलिस ने 17 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस भले ही इसे अपनी सफलता बता रही हो, लेकिन सूझबूझ से अगर देखा जाए तो अपहरण के बाद हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ने में मेरठ पुलिस को 17 साल लग गए। गिरफ्तार किया गया है, कितना बड़ा क्रिमिनल था और कैसे सफलता मिली? 2002 में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में विजय नाम के एक युवक का वो भैंसा बुग्गी के साथ अपहरण हो गया था। बाद में इसकी डेड बॉडी मिली थी। इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था, जिस पर बाद में ट्रायल के बाद सजा हुई, जिसमें 10 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना हुआ था। दो अभी उसमें अभियुक्त शेष थे, जिसमें एक अभियुक्त 17 साल बाद प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मपुरी और उनकी टीम को कामयाबी मिली, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था। और ये उत्तराखंड, गुड़गांव आदि अलग अलग स्टेट में नितिन के नाम से छिप के रह रहा था, जबकि इसका वास्तविक नाम दिनेश है। नितिन के नाम से इसने आईडी बनवा रखी थी और उसी नाम पर अपना काम करता था, नौकरी करता था इधर उधर, जिससे उसके सही रूप में जानकारी का करने में काफ़ी मेहनत हुई थी। 17 वर्षों तक ये कहाँ कहाँ रहा, कहाँ कहाँ छिपा? ये मूलतः उत्तराखंड में और गुड़गांव में, जैसा कि इसके द्वारा अभी प्राथमिक पूछताछ में बताया गया है। 17 साल का पीरियड चूंकि लंबा होता है, तो इसके बारे में भी जानकारी की जा रही कि इस बीच में तो क्या इसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, और जहां पर नौकरी करता था किस रूप में, कब से कब तक रहा है, बीच में अगर गायब रहा है तो कहां रहा है, इसे विस्तृत पूछताछ करके इसके बारे में भी जानकारी की जाएगी।